वो पीछे हट सकता था। उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। You may take me, but not my country. तो फाइनली दोस्तों, आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक मेजर को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। और यकीन मानिए, इस फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपनी रिलीज के साथ ही इंडियन सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देना शुरू कर दिया है और बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर बनाई जा रही बायोपिक मेजर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के रिव्यूज के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि क्या यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ले रही है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी मेजर के लिए एक्साइटेड थे और चाहते हैं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर ब्लॉकबस्टर बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शशि किरण टिक्का के डायरेक्शन में बनने वाली एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है मेजर, जिसके लीड में आपको अधिविशेष, साई मांजरेकर और शोभिता धुलीपाला नजर आने वाली है। प्रकाश राज भी इस फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को सिर्फ 40 करोड़ रुपए के बजट से बनाकर तैयार किया गया है। बताते चले दोस्तों आपको कि मेजर, जो कि भारत के वीर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन के ऊपर बनाई जा रही एक फिल्म है, इस फिल्म को दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु, हिंदी और मलयालम में रिलीज कर दिया गया है। इन तीनों ही भाषाओं में दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया से आज लगभग 1000 से 1200 स्क्रीन्स मिली है, जहां पर इस फिल्म ने अपने रिलीज से पहले 4 करोड़ रुपए की शानदार एडवांस हासिल कर ली, जो कि अधिविशेष के करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन ओपनिंग होने वाली है। इस फिल्म को दोस्तों महेश बाबू ने प्रोड्यूस किया है, जिसे कि सलमान खान द्वारा हिंदी में प्रमोट किया गया। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मेजर की पिछले 10 दिनों में कई सारे प्री स्क्रीनिंग शो रखे गए थे, जहां से इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया था। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी बेहतरीन रिव्यूज दिए हैं। अधिविशेष के काम को काफी पसंद किया जा रहा है, उनका एक्शन, इस फिल्म के VFX, इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यही वजह है दोस्तों कि मेजर, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, इस फिल्म ने दोस्तों आज मॉर्निंग से ही 35 से 40% की ऑक्यूपेंसी हासिल की, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी है। यह फिल्म दोस्तों अधिविशेष के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने जा रही है और हिंदी में जहां इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन 203 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज अपने पहले ही दिन 10 से 12 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के रिव्यूज दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिल रहे हैं, उम्मीदें हैं दोस्तों कि अधिविशेष की यह फिल्म उनके कैरियर की पहली 100 करोड़ फिल्म बन जाए और हिंदी में दोस्तों यह फिल्म एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अधिविशेष की फिल्म मेजर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।